आजकल के स्मार्टफोन्स इतने हाईटेक होते जा रहे हैं, इतने एडवांस होते जा रहे हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल क्रिएशन से लेके सारा वीडियो एडिटिंग और सारा का सारा चैनल मैनेजमेंट आप अपने फोन से ही कर सकते हैं। लेकिन जो एक ऐसी चीज जो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स अपने फोन से नहीं कर पाते हैं वो है ऑडियो एडिटिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग अपने फोन में कर सकते हैं। यस, लाइक जस्ट लाइक ऑडेसिटी, जिस तरह से आप ऑडेसिटी में एडिटिंग करते हैं उसी तरह की एडिटिंग आप अपने फोन में भी कर सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड और आपको समझ जाएगा किस तरह से एडिट करना है। सो वेलकम गाइज, मैं हूँ निर्मल और आप देख रहे हैं हाईटेक निर्मल यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एडिटिंग से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो सबसे पहले आप जो है रिकॉर्डिंग के लिए एक दूसरा फोन यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये मेरा पुराना फोन है, मैं इस पे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग का काम मैंने बस इसमें ऑडियो रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है और यहाँ पर टेबल पर रख दिया है। और अगर आपके फोन में ऑडियो रिकॉर्डर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से माई स्मार्ट ऑडियो रिकॉर्डर करके माई स्मार्ट रिकॉर्डर डाउनलोड कर सकते हैं, काफी अच्छा काम कर देता है। तो एक बार आपने ऑडियो रिकॉर्ड कर ली तो ऑडियो रिकॉर्ड करते वक्त आपको थोड़ी सी ध्यान ऐसे रखनी है कि जब आप वीडियो शुरू करते हैं तो उस वक्त आपको एक क्लैप करना है, जिससे होगा ये कि आपके जो ऑडियो रिकॉर्डर है उसमें एक वेव बन जाएगा और आपके वीडियो में भी एक वेव बन जाएगा। तो जब आप वीडियो और ऑडियो को सिंक करेंगे बाद में एडिटिंग के बाद, उस वक्त जो है आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी, आप उसको मैच कर पाएंगे किस कर पे और पूरा का पूरा ऑडियो एक के बाद एक सिंक हो जाएगा। सो ये थोड़ी सी है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में आपको 5-6 सेकंड का शुरू में पॉज रखना है, शांत रहना है, जिससे ये होगा कि आपके एनवायरमेंट में आसपास में जो भी नॉइज है वो रिकॉर्ड हो जाएगी और एडिटिंग के टाइम पे आप उस नॉइज को अपने पूरे ऑडियो से निकाल पाएंगे। सो ये कुछ टिप्स थी, पहले ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑडियो सेपरेट रिकॉर्ड कीजिए, और अगर आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आप अपने ऑडियो को अपने वीडियो के साथ ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो द सीन इज कि आप किसी एप्लीकेशन की मदद से जो है ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने वीडियो में से और फिर उस ऑडियो को आप इम्पोर्ट करके एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। सो कुछ टिप्स रख लीजिए, आप ऑडियो को पहले अपना निकाल लीजिए, अपने पास ऑडियो की फाइल रख लीजिए, उसके बाद वेवपैड नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, वेवपैड ऑडियो एडिटर, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वो एक पेड सॉफ्टवेयर, आपको पैसे लगेंगे। सो मैं आपको बिल्कुल भी, आपके ऊपर आपका डिसीजन है कि आप उसका पेड सॉफ्टवेयर खरीदना पसंद करेंगे या फिर आप गूगल से या इंटरनेट से ढूंढ के डाउनलोड करेंगे, आपको पता है क्या करना है। सो जो भी है आप डाउनलोड कर लीजिए इस सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को बेसिकली अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में। उसके बाद आपको जो है अपना फाइल ऐड कर लेना है, और एक बार आपने ऐड किया अपना ऑडियो फाइल तो उसे ओके कर दीजिए, उस पर क्लिक कीजिए और बस आपके सामने पूरा जो वेव फॉर्म में पूरा ऑडियो खुल जाएगा, जिस तरह से ऑडियोसिटी में खुलता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है आप इफेक्ट्स में जाएंगे, सो इफेक्ट्स में आपको क्लीनअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो क्लीनअप पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे एक लिस्ट खुलेगी, उसमें आपको ग्रैब ऑडियो सैंपल में करना है, ग्रैब नॉइज सैंपल बेसिकली, सो उस पर आपको क्लिक करना है। सो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद वापस से आपके सामने सेम स्क्रीन आ जाएगी और वहाँ पर आपको जो है नॉइज का, जो आपने स्टार्टिंग में 5-6 सेकंड का पॉज रखा था, वहाँ पर जो नॉइज कलेक्ट हुई है उस नॉइज को सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के टाइम पे अगर आपको वेव सही में समझ में नहीं आ रही कैसे करना है, सो आप जो है जूम इन कर लीजिए अपने फोन स्क्रीन को और फिर कीजिए। जूम इन कैसे करना है, उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन जेस्चर ऑन करना होगा, वो आपके फोन के सेटिंग्स के अंदर और एक्सेसिबिलिटी में मैग्निफिकेशन जेस्चर नाम का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो जूम इन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा और वहां से आप डबल 3 times, मतलब डबल नहीं एक्चुअली 3 times टैप करके जूम इन कर सकेंगे। और जूम इन कर लीजिए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए अच्छे से, सिर्फ नॉइज को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि जो ये वेव पैड का एप्लीकेशन है वो 8 seconds से ज्यादा का नॉइज सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, सो आप ध्यान रखिए कि 8 seconds से कम का नॉइज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको वापस करना है, इफेक्ट्स में जाना है, क्लीनअप में जाना है और यहाँ पर जो है आपको एक्सट्रैक्ट नॉइज फ्रॉम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बस इस बार आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है और एक्सट्रैक्ट कर देना है। सो होगा ये कि आपकी जो नॉइज है वो पूरी की पूरी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी आपके ऑडियो से। सो आप देख लीजिए ऑडेसिटी की तरह पूरा आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से कुछ आप एडिट कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन में आपको और भी बहुत से इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, आप इनका भी यूज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मैं सिर्फ आपको नॉइज रिडक्शन के बारे में बता रहा हूँ, प्रोफेशनल नॉइज रिडक्शन हो जाता है इस एप्लीकेशन से पूरी के पूरी ऑडियोसिटी की तरह। और एक और एप्लीकेशन है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, उससे भी आप कर सकते हैं। सो लेकिन वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, उसमें जो है आपकी वॉइस काफी नीचे चल जाती है, उसको भी मैंने टेस्टिंग के लिए कुछ 2-3 वीडियोस में यूज किया था बट रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल पाए। वेवपैड काफी अच्छा काम कर रहा है, वेवपैड का एग्जांपल मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड में दिखा रहा हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो ऑडियो आपके सामने प्ले होगी, दोनों के दोनों ऑडियो प्ले करता हूँ मैं आपको विदाउट एडिटिंग और एडिटिंग के बाद। सो हेलो गाइज, अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये विदाउट एडिटिंग है, इसके बाद इसी ऑडियो को मैं एडिट करके सुनाऊंगा आपको।
सो हेलो गाइज, अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये विदाउट एडिटिंग है, और इसके बाद इसी ऑडियो को मैं एडिट करके सुनाऊंगा आपको। सो आई होप आपने देख लिया होगा रिजल्ट क्या आता है विदाउट एडिटिंग और एडिटिंग के बाद क्या फर्क पड़ता है आपके ऑडियो में। सो इस तरह से आप अपनी ऑडियो इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो बेहद खुशी होगी। अपने यूट्यूबर दोस्तों की हेल्प कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और बस सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सभी क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ। दैट्स इट, बाय बाय, पीस आउट। तो एक बार फिर से जिन्हें समझ नहीं है उनके लिए वापस से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है, इंपोर्ट फ्रॉम फोल्डर से, जो है आपको अपने फोल्डर से आपका ऑडियो फाइल इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले आपको, या आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मैं आपको फिलहाल इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। सो मैंने साउंड रिकॉर्ड किया हुआ है। सो जहाँ भी आपने लोकेटेड आपका फाइल उसे जो सेलेक्ट कर लीजिए और ओके करके इंपोर्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से। इंपोर्ट करने के बाद उस फाइल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो आपके सामने वेव फॉर्म में ऑडियो पूरा खुल जाएगा। छोटा सा ऑडियो है सैम्पल, जब बस मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। सो छोटा सा इसमें से आपको नॉइज़ पार्ट सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, और उसके बाद जाना है इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में आप थोड़ा सा जाएंगे, लास्ट में आपको क्लीन अप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर क्लीन अप में क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट सैम्पल नॉइज़। उसके बाद वापस से पूरा ऑडियो सेलेक्ट कर लेना है और वापस से क्लीन अप में जाना है। और अब यहाँ पे आपको अप्लाई सब्सट्रैक्शन फ्रॉम पे क्लिक कर देना है। बस ऑडियो आपकी क्लीन हो गई, इस तरह से आपका नॉइज़ रिडक्शन हो गया। आप जो ऑडियो आपके सामने होगी वो नॉइज़ रिडक्शन वाली होगी, उसका एग्जाम्पल ऑलरेडी आपने देख लिया। दैट्स इट।